हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन रिलेटेड, जो कि ऑफर कर रहा है गीतम इंस्टीट्यूट। तो गीतम इंस्टीट्यूट में जो पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन जो इन्वाइटेड है, तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गीतम ऑफर रिसर्च एडमिशन इंटू पीएचडी, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड है यहाँ पे। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपने के पास आपकी खुद की फेलोशिप है, चाहे आपका CSI, UGC, JRF हो, गेट, स्लेट, ICMR, UGC, नेट, अगर आपका खुद का JRF है तो आप इसके लिए जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी नेशनल फंडिंग एजेंसी में आपने प्रोजेक्ट फेलो का काम किया है तब भी आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट के पीपल के गवर्नमेंट जुडिशरी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन आल्सो अप्लाई विदाउट गिविंग एनी इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है जो लास्ट डेट एप्लीकेशन वो 24 मई 2021 है। और जो अप्लाई आपको कम से कैसे करना है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट मेंशन कर रखा है। तो इस वेबसाइट पे जाके जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे ₹800 जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। तो आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा मैंने आपके पास बोल दिया कि आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसलिए आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट PG और मार्क्स स्टेटमेंट, आपका जो वैलिड स्कोर कार्ड है जैसे आपका नेट हो या ICMR, गेट, GPAT, स्लेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने आपका डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिए, आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो है एलिजिबिलिटी, आपका PG डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। वहीं अगर आप जो है SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो 5% मार्क्स का आपको यहाँ पे लाइक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं अदर लाइक फॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका मिनिमम 3 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम आपका 6 ईयर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फुल टाइम में। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम आपका 4 ईयर और मैक्सिमम आपका 8 ईयर रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखिए बिफोर अप्लाइंग। अब अगर आप इसका इंट्रेंस का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आपको जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। इसके अलावा researchadmission.gtam.edu पर भी आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिलेबस में रहेगा आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स 140 रहेगा, जिसमें 70 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और 70 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बेस पे रहेगा। इसके बाद अगर आपका इंट्रेंस एग्जाम की बेस पे आपको यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोर्स वर्क का भी लाइक पोर्शन दे रखा है कि यह कोर्स वर्क जो है मैंडेटरी है। अगर आप PhD करना चाहें तो कोर्स वर्क जो है आपको कमेंडेटरी कर रखा है। इसके अलावा अगर आपने MPhil डिग्री आपके पास है तो आपको यहाँ पे कोर्स वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको 75 पर अटेंडेंस होना चाहिए पर कोर्स। तो यहाँ पे 4 कोर्स होंगे। पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोर्स 2 एडवांस टॉपिक द एरिया ऑफ रिसर्च, और कोर्स 3 कम्प्रेहेंसिव वायर वॉस, कोर्स 4 रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। तो ये सब कोर्स दे रखें, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ योर लाइक कोर्स वर्क देन ओनली यू विल बी लाइक अवेलेबल टू गेट योर PhD डिग्री। ओके, तो दीज कोर्स वर्क दीज आर मैंडेटरी। अब अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए अलग अलग फी है। तो अगर हम बात करें फुल टाइम की, तो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 30,000। वहीं पार्ट टाइम में 40,000 फर्स्ट ईयर में, 40,000 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 40,000 और फोर्थ ईयर में 40,000। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे आपको जो है लाइक फेलोशिप भी प्रोवाइड करेगा फुल टाइम के लिए, और आपकी जो फेलोशिप रहेगी वो 3 ईयर्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होता है या इंटरव्यू के बेस पे होता है तो आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। तो फेलोशिप आपके लिए 20,000 परमानेंट फॉर कैंडिडेट विद अ वैलिड स्कोर नेट गेट। तो अगर आपका नेट गेट या स्लेट क्वालिफाई है तो आपको 20,000 मिलेगा 3 ईयर्स के लिए। वहीं अगर आपका नेट गेट स्लेट नहीं है तो आपको यहाँ पे 15,000 मिलेगा फॉर अदर सक्सेसफुल कैंडिडेट विदाउट नेट गेट। ओके, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी दी जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 24 मई 2021 है।
ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पे 24 मई 2021 है, और जो एग्जामिनेशन होगा मॉक एग्जाम में वो 10 जून 11 जून को, ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो रहेगा आपका 15 जून, यानी 15 जून को आपका एग्जाम होगा, और रिजल्ट आएगा वो 16 जून 2021 को आएगा, और इंटरव्यू ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी बिटवीन 21 जून टू 26 जून, और फाइनल रिजल्ट होगा इट विल बी ऑन 30 जून, और रिपोर्टिंग डेट रहेगा वो आपका ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए दे रखा है अपेंडिक्स में जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर अगर अब देखिए बात करें बायोटेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पे जो बीएसपी कैंपस में ऑफर है, तो यहाँ आपका एमटेक एमई होना चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री में, इसके अलावा जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन दे रखा है, तो इनकी बेस पे जो है आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दे रखी है, साथ ही साथ आपको जो पीएचडी करना है वो कौन से कैंपस में करना वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये सब अच्छी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ साइंस, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट सबके लिए यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन को इन्वाइट किया गया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पीएचडी में जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने आपकी फॉर एनी क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे रखा है, ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, तो आपको कोई भी डाउट है आप इस पे जो है आप कॉल या मेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।